हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहानुद्दीन सिद्दीकी। आज के मौजूदा समय में जो परिस्थितियां हैं भारत की, जो हिंदुस्तान की परिस्थितियां आपको देखने को मिल रही हैं, क्या इन परिस्थितियों की कल्पना की थी उस समय जब संविधान का गठन हो रहा था, जब संविधान बनाया जा रहा था, जब उस संविधान में सभी जाति धर्म एवं समुदायों के लिए व्यवस्था की जा रही थी ताकि यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो सके। भले ही आज लगातार कहा जा रहा है कि बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, एक देश मुसलमान इस्लामीकरण की ओर चला गया, लेकिन भारत की यही खूबसूरती थी कि हमने सेकुलरिज्म का रास्ता अपनाया। तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सभी धर्म समुदाय जातियों ने मिलकर इस देश को बनाया और खूबसूरत बनाया, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती रही। लेकिन आज उसी देश के लिए जब यह बातें सुनने में आती हैं सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा, उनके सहयोगी दलों द्वारा, कि जब धर्म के नाम पर देश को अलग किया गया था तो यह हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है, यह बातें सामने आ रही हैं। उस समय क्या बातें चल रही थी जो आज देश का माहौल है, और उस समय क्या माहौल था, हम बताएं। विशंबर दयाल त्रिपाठी संविधान समिति के सदस्य थे। संविधान में उन्होंने कहा स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि राज्य किसी भी स्थिति में पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर स्थापित न किया जाए। बहुत ही अच्छी बात कही थी यहाँ विशंबर दयाल त्रिपाठी ने कि राज्य किसी भी स्थिति में, यानी कि देश किसी भी स्थिति में पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर स्थापित नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपको क्या देखने को मिल रहा है, देश का आधार कहाँ पर है, उसकी नींव आखिर कहाँ पर खड़ी है, वह स्तंभ कहाँ खड़े हैं जिसकी आलोचना हो रही थी, क्या उसी के ऊपर तो नहीं खड़े हैं। आखिर क्यों विशंबर दयाल त्रिपाठी इस बात को कह रहे थे कि पूंजीवादी जो विचारधारा है, पूंजीवादियों का जो आधार है, उस पर देश की नींव नहीं बिल्कुल भी आधारित होनी चाहिए। उन्हें पता था, एक दूरदृष्टि होती थी, उन्हें यह मालूम था कि यदि पूंजीवादी इस लोग ही सरकार बनाने लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब सरकार ही पूंजीवादियों की हो जाएगी, जब पूंजीवादी ही तय करेंगे आखिर संविधान को कौन सा रुख देना है, किस तरह की योजनाएं बनाई जानी हैं और किस वर्ग के लिए कितना आवंटन करना है। वह दिन दूर नहीं था, लेकिन वह दिन आ चुका है। उस पर देश धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वह दिन आज यहाँ आ चुका है। क्या उन लोगों को गणतंत्र दिवस मनाने का मौका है, आज उनको मनाना चाहिए इस मौके पर, क्या उन्हें अधिकार है इस बात का, जिन्होंने देश का आधार ही पूंजीवाद पर रख दिया है। हमने एक कार्यक्रम में बताया किस तरह 2019 के चुनावों में 6,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आया। 6,000 करोड़ की एक योजना यदि आप देश में रख देते हैं तो उससे कितना रोजगार प्राप्त होगा लोगों को। लेकिन आपने इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए देश की जो नींव रख दी वह पूंजीवाद पर रख दी। यह 6,000 करोड़ रुपए तो केवल दिखाया गया है जो टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन जो बाहर से पैसा आया है वह कौन से बलिदानी हैं जो आपको वह पैसा दे रहे हैं और वह बदले में क्या चाहते हैं। हम आपको बता दें कि घोटाले सभी देशों में होते हैं, ऐसा कोई देश नहीं है जहां घोटाले ना होते हों, लेकिन भारत और उन देशों में क्या अंतर है। उस देश में जो अन्य देश है जहां घोटाले होते हैं, वहां के नेता अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए घोटाले करते हैं कि वह अपना घर बना लें, पैसा पूंजी इकट्ठी कर लें, अपने बच्चों को विदेशों में और भी कहीं पढ़ा दें, इसलिए पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन भारत के में जो परिस्थितियां हैं वह इसलिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, पूंजीपतियों से इसलिए पैसा मांगा जाता है ताकि वह चुनाव जीत सकें, बड़े से बड़ा चुनाव प्रचार कर सकें। आप देख रहे हैं किस तरह हर ओवर के बाद एक ऐड आता था मैचों में, हर कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी का ऐड चलता था, विज्ञापन आते थे। यह उन 6,000 करोड़ रुपए में से ही से नहीं था, बल्कि इलेक्ट्रोलर बॉन्ड आपको आ रहे हैं, लगातार पैसा आ रहा है, वह पैसा कहाँ से आ रहा है यह बात सोचनीय है, और वह बलिदानी उस पैसे के बदले में क्या मांगते हैं, हम आपको बता देते हैं वह क्या मांगते हैं। देश की जो संपत्ति है, चाहे वह कोयले की माइन हो, प्राकृतिक गैस के कुएं हों, उनमें वह अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, वहाँ के टेंडर प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ से जितना भी खनिज है वह निकालते हैं, वह बेचा जाता है।
लेकिन जितना वह सरकार को पैसा दे सक चुके हैं, जितना वह डोनेट कर चुके हैं, उस पैसे की वसूली भी तो करनी है। वह पूंजीपति लुटने थोड़ी आया है, चाहे हम अंबानी की बात करें या अडानी की बात करें, वह लुटने नहीं आया है देश में, उसे वह पैसा बराबर करना है। जो पैसा अतिरिक्त रूप से चुनावों में खर्च हो चुका है वह बराबर किया जा रहा है देश की संपत्ति से, जो देश के रिसोर्सेज हैं उससे बराबर किया जा रहा है। वह पैसा बराबर कर लेता है वह पूंजीपति, और वह खर्च कहाँ हुआ? चुनाव के प्रचार में। इस बीच जनता को क्या मिला, यह एक सवाल रह जाता है। जो वहाँ से खनिज निकाले जा रहे हैं, मिनरल निकाले जा रहे हैं, गैस निकाली जा रही है, उसके पैसे से तो देश का विकास किया जाना है, जनता को लाभान्वित किया जाना है, लेकिन जब उस पैसे की बराबरी तो पूंजीपति कर रहा है और वह पैसा चुनावों में खर्च हो चुका है, तो जनता तो यहाँ शून्य रह जाती है, जनता के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। और परिस्थितियाँ यह हो जाती हैं, किसान आत्महत्या करता है, बेरोजगार आत्महत्या करता है, दालों की सब्जियों की कीमत इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति उसे खरीदने के बारे में भी सोचने लगता है, बल्कि जो एकदम तीसरे क्वालिटी की, थर्ड ग्रेड की जो वस्तुएं होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो रहा है आज भारतीय। क्या उन्हें गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, खुश होने का अधिकार है, जिन्होंने देश को इस मुहाने पर ला दिया है? इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।